हेलो फ्रेंड्स, और आज हम प्रमोशन करने जा रहे हैं एक यूट्यूब चैनल का। वीडियो शुरू होने से पहले ये स्केचेस देख लें और इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इन्हें जाके सब्सक्राइब कर दें। और आप भी अगर ऐसा प्रमोशन करवाना चाहते हैं अपने चैनल का, तो इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे अपने चैनल का प्रमोशन करवा सकते हैं मेरे चैनल पर, वो भी फ्री। तो अगर आप इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो इसी तरीके से आपका भी चैनल प्रमोट किया जाएगा और आपके आपका भी ग्रोथ होगा। तो ज़रूर सपोर्ट करें और आपका भी सपोर्ट किया जाएगा उसी तरीके से जैसे आप सब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिव्यांशु देव आर्ट्स। और आज हम आपको सारा अली खान के आई की शेडिंग की ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। हमने इसकी आउटलाइन की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, तो वो भी आप जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईबॉल्स की शेडिंग कर रहे हैं, और उसके लिए हमने 8B पेंसिल की यूज़ की है। आईबॉल्स जितनी ही डार्क लगेगी उतनी बेटर लगती है देखने में। और जो आईबॉल्स की जो वाइट पार्ट है, जो शाइनी पार्ट है, जो शाइन करती है, उसे हमने फिल करने के लिए छोड़ दिया है। आप चाहें तो वहाँ जेली रोल पेन यूज़ करके अच्छे से और ज़्यादा हाईलाइट दे सकते हैं। उसके बाद हम बाहर वाले पार्ट की शेडिंग कर रहे हैं 6B पेंसिल से, और इसे बहुत ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करनी है हमें। तो जितनी डार्क आपको दिख रही है मेनली पिक्चर में, उतनी डार्क आप कर सकते हैं इसे। तो इसके बाद हम लोग आईलैशेस की शेडिंग करेंगे। तो आईलैशेस के लिए हमें 4B पेंसिल की यूज़ करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा शार्प होनी चाहिए आपकी पेंसिल, इस बात का ध्यान रखें। जितनी ज़्यादा शार्प होगी उतनी पतली आईलैशेस बनेंगी और उतनी अच्छी लगेंगी देखने में। तो लगभग हमने आई के चारों तरफ शेडिंग कर ली है कंप्लीट। अब थोड़ी सी ब्लेंड कर ली हमने आई को, थोड़ी सी फजी सी लुक देती है और बहुत रियलिस्टिक सा लुक आ जाता है इसलिए। तो ये हमने आईलैशेस की बनाना शुरू कर दिया है 4B पेंसिल से। और एक बार आपने 4B पेंसिल से जब आईलैशेस बना दी, या फिर आप 2B भी यूज़ कर सकते हैं, जो जितनी पतली आप बना सकें, उसके बाद आईलैशेस के जो नीचे के पार्ट हैं जहाँ पे आईलैशेस घने होते हैं, वहाँ पे आप थोड़ी डार्कर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जैसे 6B या 8B, ताकि आईलैशेस भी उतनी ही ब्लैक लगे जितनी ब्लैक आपकी आँख लग रही। अब हम लोग यहाँ पे आईज़ के अराउंड शेडिंग स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करके शेडिंग करनी है कि कहाँ पे वाइट हाइलाइट्स एरिया है वो हमें छोड़ के शेडिंग करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस आई के कॉर्नर में, कॉर्नर के पास थोड़ी हाइलाइटेड एरियाज़ है, तो वहाँ हमने शेडिंग नहीं की है। और बाकी भी जिस एरियाज़ में थोड़ी डार्कर शेडिंग है वहाँ पे डार्क शेडिंग करेंगे, और जहाँ पे लाइट शेडिंग वहाँ पे लाइट शेडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ एक कॉटन क्लोथ है, और ब्रश भी यूज़ करता हूँ, और मैं कॉटन बड्स भी, आप देख सकते हैं, ईयरबड्स भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो जैसा जहाँ एरिया होता है, छोटे एरियाज़ में यूज़ कर लेते हैं हम लोग कॉटन बड्स, और जहाँ बड़ा एरिया होता है थोड़ा, तो वहाँ पे कॉटन क्लोथ यूज़ कर लेता हूँ। तो अब थोड़ी सी डार्कर वाली पार्ट की शेडिंग कर रहे हैं हम लोग आई के अराउंड नोज़ के पास, और इसके बाद हम लोग आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ भी एक्स्ट्रा शेडिंग हो जाती है वहाँ पे मैं नीडेड इरेजर से ठीक कर लेता हूँ उसे। तो हमने आईब्रोज़ की शेडिंग शुरू कर ली है। तो आप देख रहे हैं कि आईब्रोज़ के लिए भी मैं 4B पेंसिल से स्टार्ट किया हूँ और 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आईब्रोज़ में भी कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए आपकी पेंसिल, और स्ट्रोक्स आईब्रोज़ के डायरेक्शन में लगानी चाहिए आपको। और आईब्रोज़ का जो अपर पार्ट होता है वहाँ बहुत ही घने होते हैं हेयर्स, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं 8B पेंसिल डार्कर पार्ट्स के लिए। तो ऊपर से मैं 8B पेंसिल यूज़ कर ले रहा हूँ, और जो नीचे वाले पार्ट्स है जहाँ पे थोड़ा लाइट है आईब्रो, वहाँ पे मैं 6B या 4B से कर रहा हूँ शेडिंग। देख रहे हैं आप कितना रियलिस्टिक सा आई लगने लगा है, और आईब्रोज भी। आईब्रोज के फाइन पार्टिकल्स अच्छे से देख के हमें शेडिंग करनी है, फाइन हेयर्स देख के। और अगर कुछ एक्स्ट्रा बन जाए तो नीडेड इरेजर से आप वहाँ पे इरेज कर सकते हैं। तो लेफ्ट आई वाली आईब्रो की शेडिंग हमने स्टार्ट कर दी, और जैसे जिस डायरेक्शन में दिख रही है हमें पिक्चर में, आप देख सकते हैं फ़ोन में जो पिक्चर साइड में रखी हुई है, कैसे हम शेडिंग कर रहे हैं वहाँ। तो इस आईब्रो की भी शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। आप थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं आईब्रो में भी, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमने जो
हेयर की जो डायरेक्शन दी है वो चली जाती है, तो ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना चाहिए हमें आईब्रो में। तो अब हम लोग लेफ्ट आई की शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट आई में भी आईबॉल हमें वही 8B पेंसिल से शेडिंग कर लेनी है और वाइट पार्ट बीच में छोड़ देना है, जहाँ पे आप जेली रोल पेन से भी वाइट जेल पेन से आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी आई लैसेस बहुत डार्क थे, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 6B स्टार्ट कर दिया और थोड़े मोटे भी थे यहाँ पे पार्ट्स, तो यूज़ कर सकते हैं आप। अभी से ही आप देख रहे हैं बहुत रियलिस्टिक सा लुक आने लगा है आई में। अब इसके बाद हम लोग आई के भी शेडिंग कर लेंगे चारों ओर से। तो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने प्रमोशन की है एक यूट्यूब चैनल की, आप चाहें तो आप अपने चैनल की भी प्रमोशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हमारा सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप सब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सेकेंड थिंग कि आपको एक अच्छा सा कॉमेंट करना है इस वीडियो के बारे में, या फिर आपको प्रमोशन क्यों चाहिए, अपना चैनल क्यों प्रमोट करवाना चाहते हैं आप, वो चीज़ कॉमेंट कर दें हमारे कॉमेंट बॉक्स में। और थर्ड थिंग, हमारे वीडियो को शेयर कर दें, तो इस तरीके से आपका प्रमोशन हो जाएगा। और तो इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उन लोग एक लकी विनर का प्रमोशन करूंगा, और वो लकी विनर जो हैं वो यूट्यूब के रैंडम कमेंट पिकर से चुने जाएंगे। तो आपका चैनल भी प्रमोट हो सकता है, बस अच्छा सा कमेंट करें और जो जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बोली है वो फुलफ़िल करें, तो मैं आपका चैनल प्रमोट कर दूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।